हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ठंड का सीज़न आ गया है, तो ये आप देख रहे होंगे, मैं आपको जो पेड़ दिखा रही हूँ ये चीकू का पेड़ है। एक्चुअली आज हम हमारे एक आंटी जी के घर गए हुए थे, तो ये उनके घर का ही है। घर में साग वगैरह लगा हुआ था, तो आंटी लोग ने हमको बुलाया था साग के लिए, तोड़ने के लिए। तो बस आज छुट्टी थी, बच्चों की छुट्टी हो गई थी क्रिसमस की, तो हम लोग सब गए हुए थे। तो ये देखें, ये एक्चुअली पीछे उनके खेत का है, घर के पीछे तरफ का। अभी सब बैठे हुए थे हम लोग, सब आंटी लोग से बस बैठ के बातें कर रहे थे। काफ़ी टाइम तक बात करने के बाद फिर हम लोग साग तोड़ने के लिए गए। बच्चे एक्चुअली खूब इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था खुले में ऐसा। यहाँ सब बैठे हुए थे धूप में, बातें कर रहे थे। और आंटी ने साग रखा हुआ था बनने के लिए, तो आज आंटी लोग गैस में साग नहीं बना रहे थे, बोलते आज हम लोग की इच्छा हो रही थी चूल्हे में यहाँ साग बनाने की, तो इसमें साग बना रहे थे वो। तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लूँ ये भी। सो बस हम काफ़ी टाइम तक बैठे, उसके बाद फिर हम लोग साग तोड़ने के लिए निकल गए थे। सो ये हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ साग लगा हुआ है घर के सामने में। ये पूरा आंटी लोग का ही घर है, जहाँ हम बैठे थे ये पुराना वाला घर था। ये सामने अभी मैं जो आपको दिखाऊंगी, ये नया घर है आंटी लोग का। सब चले गए थे हमारी पलटन खेत के अंदर साग तोड़ने के लिए। ये यहाँ डेरी है आंटी लोगों की, और ये पुराना वाला घर है, और ये नया घर है आंटी लोगों का। और ये सामने से हम लोग पुल पार करके आए हुए थे, तो मैं आते टाइम का वीडियो तो नहीं बना पाई थी, सॉरी, बट मैं जाते हुए आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आंटी लोग हर साल ही साग तोड़ के भेज देते हैं घर में, बट इस साल आंटी लोग ने बोला कि आप लोग आओ, इसी बहाने आप आओ। और फिर हम लोग इसी बहाने गए, काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके बातें करके। फिर हम सारे के सारे साग तोड़ने चले गए थे। ये सारे साग लगे हुए हैं, एक्चुअली मार्केट में अभी उतना अच्छा साग नहीं आ रहा है जैसे कि मतलब बनाते हैं मेन। उतना टेस्ट नहीं आता जितना कि बिल्कुल ताज़े ताज़े खेत से तोड़ी हुई सब्जियों का स्वाद आता है। तो आज हम लोग तोड़ के ले जा रहे हैं, उसके बाद फिर जब मैं नेक्स्ट डे हम लोग साग बनाएंगे तो मैं आपको पूरा वो भी दिखाऊंगी, पूरा प्रोसेस कि साग कैसे बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा पूरे में साग लगा हुआ था। ये सामने पुल बना हुआ है, यहाँ से ही हम लोग आए थे। ये आंटी हमको साग साफ करके भी आंटी ने दे दिया था, बोले तुम घर में जाके नड़िया बनाना, मैं यहाँ साफ करके दे देती हूँ। एक्चुअली काफ़ी अच्छी आंटी है ये, आधे से ज़्यादा काम तो आंटी ने ही हमारा कर दिया। वो इधर एक और आंटी है, ये आंटी जी ये साग तोड़ रही थी, और एक्चुअली हम लोग को
उतने अच्छे से मतलब बनता नहीं है। साग तोड़ना कैसे तोड़ते हैं इसका भी कोई प्रोसेस है। तो आंटी लोग ने ही साग तोड़ के दिया, हम लोग बस आंटी लोग के साथ हेल्प करवा रहे थे आंटी की। बस यहाँ आके ऐसा लगता है कि हम लोग पंजाब पहुँच गए हैं। चारों तरफ खेत और खेत के बीच में आंटी लोगों का घर। तो इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था, वो एक्चुअली शाम की वीडियो थी, सवेरे की 4 बजे की वीडियो थी ना, तो उसके कारण वो ठंड का टाइम था इसलिए अंधेरा था। तो मैंने आपको कहा था कि मैं दिन में जाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मेरी जेठानी और आंटी बैठी साग साफ कर रही थी। बच्चे हमारे डेयरी घूम के आ गए थे, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था, उनकी इच्छा ही नहीं हो रही थी जाने की बिल्कुल भी। तो साग तोड़ने के बाद फिर हम दोबारा घर गए आंटी के, बैठे वहाँ पे, फिर काफ़ी टाइम तक बैठ के फिर हम लोग घर वापस आए। सो ये देखिए आंटी के घर का ही है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, फूल इतने सुंदर लग रहे थे। और ये वापसी का है फ्रेंड्स, मैं आपको आते टाइम का नहीं दिखा पाई थी। तो ऐसी रोड है, यहाँ से रोड क्रॉस करके, नदी क्रॉस करके इनका घर पड़ता है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।